हेलो एवरीवन, आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे कि सरगम गीत क्या होता है। सरगम गीत जो है आपका रागों में गाया जाता है। रागों को गाने से पहले सरगम गीत को गाया जाता है। सरगम गीत में क्या होता है, सरगम गीत में सिर्फ आपके सरगम गाए जाते हैं, मतलब स्वर गाए जाते हैं, कोई शब्द कोई लाइन नहीं होती, सिर्फ इसमें स्वरों का प्रयोग किया जाता है। जो सरगम गीत है आपके तालों और स्वरों में बंधे हुए होते हैं। जो सरगम गीत है वो आपके किसी भी गीत गजल भजन में नहीं गाए जाएंगे, ये सिर्फ रागों में गाए जाते हैं ताकि उस राग के स्वरों का हमें अच्छे से अभ्यास हो जाए। पढ़ते हैं हम इसके बारे में। तालबद्ध व रागबद्ध स्वर रचना विशेष को सरगम गीत कहते हैं। तालबद्ध का मतलब है कि ताल से बंधी हुई, रागबद्ध का मतलब है राग में बंधी हुई। स्वर रचना, जो राग में आपके स्वर बंधे हुए हैं उनको हम क्या कहते हैं, सरगम गीत कहते हैं। ऐसी रचना जो तालबद्ध हो व रागबद्ध हो, स्वर रचना विशेष को हम सरगम गीत कहते हैं। तालबद्ध और रागबद्ध का मतलब है कि तालों से बंधी हुई, और रागबद्ध का मतलब है रागों में बंधी हुई। सरगम गीत भिन्न भिन्न तालों व रागों में निबद्ध होते हैं। सरगम गीत में अलग अलग तालों का प्रयोग किया जाता है और रागों में बंधे हुए होते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई कविता नहीं होती, इसमें केवल स्वर ही होते हैं, इसमें केवल स्वर ही गाए जाएंगे, कोई शब्द नहीं गाए जाएंगे। मतलब इसके अध्ययन से विद्यार्थियों को स्वर तथा राग के ज्ञान में बहुत सहायता मिलती है। राग के ज्ञान की जो जानकारी है वो विद्यार्थियों में बढ़ जाती है और उन राग के स्वरों का भी बहुत अच्छे से अभ्यास हो जाता है विद्यार्थियों को। इसलिए जो सरगम गीत है, राग को गाने से पहले सरगम गीत गाया जाता ताकि उसके स्वरों का अच्छे से अभ्यास हो जाए, उस राग के स्वरों का। तो आइए मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ कि सरगम गीत ऐसे होते हैं। ये देखिए, राग भैरव का ये सरगम गीत है। कौन सी ताल में निबद्ध है, तीन ताल। यहाँ आप देख रहे हो कि ये सारे क्या है, स्वर है। यहाँ पर आपको कोई भी शब्द दिखाई नहीं दे रहे, सिर्फ स्वरों का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे देखिए, रे जो स्वर है, धा स्वर है, ये आपके क्या लगे हुए हैं, कोमल है। आपको पता ही है कि भैरव राग में रे और धा स्वर क्या लगते हैं, कोमल लगते हैं। तो वही स्वरों का प्रयोग भी सरगम गीत में किया जाता है। थैंक यू।